जैसे पिगमेंटोस, इसने आंखों के पर्दे और नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय होता है। आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, रात को इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता। मैं साइड विजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अगर कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाता तो वो भी मैं नहीं देख पाता, अगर मेरी नजर चेहरे की तरफ है तो। एकदम ऐसा हो गया? नहीं, धीरे धीरे कर, 16 साल से लगभग। सामने देखिए, सर नहीं दिखा। आपको मात्र 5 मीटर रोशनी दिखाई देती है। मैं कुछ पढ़ सकते हो? आप आमदनी से ज्यादा है, वह गरीब। खर्चे वाली लाइन आपको आ रही है, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहे। कलर ब्लाइंडनेस भी है तोंधी के साथ साथ। आपने कहाँ कहाँ दिखाया? चेन्नई पे दिखा चुका, भोपाल पे दिखाई, जबलपुर पे दिखा, फरीदाबाद से आयुर्वेदिक दवाई लेके भी कुछ भी असर नहीं हुआ। आपको क्या परेशानी आती है आपकी जिंदगी में? अगर सामने देख के चल रहा हूँ तो पैर के नीचे क्या आ रहा है ये नहीं पता चल रहा है। जब से इस तरह की प्रॉब्लम हुई है बहुत कम घर से निकलता हूँ। फील्ड ऑफ विजन आपका ये इस जगह पे आप ऑब्जेक्ट आता है तो सिर्फ इतने एरिया में आपको दिखता है, सिर्फ आपको एक ट्यूब में से अपन जैसे देखते हैं, दोनों आंख में आपको सिर्फ बीच का दिखाई देता है और आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। किस आशा से आप आए हैं, पूरी करने का प्रयास करेंगे? तो क्या परेशानी है आपके बच्चे को? जब मैं चेन्नई भी गया था लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि आरपी है, आरपी का ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें बहुत दुखी हुआ। इन सब छोटे वाले बच्चे ने नेट पे आपका नाम, डॉक्टर ऋषभ जैन का नाम देखा, उन्होंने पूर्ण विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं आया हूँ आपके पास में। अगर यहाँ से मुझे को सही ट्रीटमेंट मिलती है तो मेरे सौभाग्य की बात तो क्या होगी, मेरी अंधेरी जो नीयत है मेरे बच्चों की उसमें तो उजाला आ जाएगा। नहीं भाई साहब, बिल्कुल हम पूरा प्रयास करेंगे, आप भी जीतेंगे, आपके बच्चे जीतेंगे, आशा की रोशनी हम फिर लेके आएंगे आपके बच्चों को। मैं आए थे उस दिन आपको क्या दिखाई पड़ता था? आप उंगली गिन पाते थे करीब 5 मीटर से। जी हाँ। क्या दिख रहा है? HCOLEF दोनों आंखों से आप 5 मीटर से 24 मीटर तक पहुँच गए। ये आपकी लेफ्ट आंख का फील्ड ऑफ विजन है, 2 इंच पे सुकड़ा हुआ था। कितना हो रहा है? बहुत ज्यादा हो गया है। डायरेक्शन में करीब 14 इंच हो गया है। ये आपने सोचा था? सोचा नहीं था कभी, कहीं इसका इलाज है ही नहीं, क्योंकि आपके फील्ड ऑफ विजन इम्प्रूवमेंट आ गया है तो आप पहले से काफी कंफर्टेबल हो गया। जो घबराहट होती थी वो खत्म हो गई है तो आप कॉन्फिडेंसली चल फिर सकते हैं, आपकी रोशनी बढ़ रही है। बहुत बहुत बधाई सर। अब आप डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ जब से आए हैं, क्या था कभी क्या आपके बच्चे को इतना फायदा इतनी जल्दी होगा? अब मुझे उम्मीद बन गई है कि मेरे बच्चे अंधत्व की जिंदगी नहीं जिएंगे। भाइयों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इस बीमारी से पीड़ित जो लोग सुरदासो सरीके जी रहे हैं, क्या उनके जीवन में बाहर आ सकती है? आ सकती है। 100% मैं चाहूंगा देशवासियों से जो जिंदगी में फिर से रोशनी लेके आए। जी, तो 2 लोग और पीड़ित थे, उनका भी काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। अब आप कहना चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी आदमी इस बीमारी से पीड़ित है जी, वो ठीक हो सकता है? हो जाएगा, ठीक होगा ही। 100% ठीक हो सकता है? 100% ठीक होगा ही। हम भी यही चाहते हैं जी, से अनेक रोगी हैं जो देश के, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला हो सकता है। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में गोपाल मंदिर छत्री चौक हॉस्पिटल है। जी हाँ, जैन नेत्र चिकित्सालय।